जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे NHM यूपी जो है मेंटल हेल्थ क्लिनिकल के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए और साइकेट्रिक जो नर्स है उसके लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल NHM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश NHM यूपी मेंटल हेल्थ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिक के लिए, सोशल वर्कर हो गया, साइकेट्रिक नर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब से आप इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितनी वैकेंसी है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए, समझ गए होंगे, टोटल पोस्ट तो अपडेट कर दिया गया था 27 अगस्त 2022 को। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जान लो, नेशनल हेल्थ मिशन NHM का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ मिशन यूपी, नेशनल मेंटल हेल्थ जो है प्रोग्रामर्स के लिए NMHP क्लिनिकल जो है साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिक सोशल वर्कर और साइकेट्रिक जो है नर्स हो गया इनके अंतर्गत पे, इसके लिए क्या कर दिया गया है, 112 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। आगे मैं बताऊंगा, वैसे कोई इतना जरूरी है नहीं यहाँ पर इस चीज़ को देखना, ठीक है। अगर बात करें तो आप एप्लीकेशन बिगेन आप कर चुके हैं इस फॉर्म को भरना 25 अगस्त 2022 से, 25 अगस्त से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट आपका 3 इसके अंतर्गत पे September 2022 को, इसके अंतर्गत पे जो है एग्जाम डेट को जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जनरल OBC तथा EWS के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, ST और SC और फिजिकल हैंडकैप के लिए भी कोई फॉर्म फीस नहीं, किसी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। देखिए, टोटल 112 वैकेंसी है NHM यूपी बेस के लिए, 112 जो पोस्ट हैं उसके लिए मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 साल होनी चाहिए साइकेट्रिक नर्स के लिए। और उसी के अंतर्गत पर मैक्सिमम जो एज है 45 ईयर्स फॉर जो है साइकेट्रिक के लिए, सोशल जो वर्कर के लिए है, क्लिनिकल और साइकोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिटेशन कह रहा है कि एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। आपको कोई भी पोस्ट के लिए तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज है 40 साल मांगी गई है जो है साइकेट्रिक नर्स के लिए, और फॉर मैक्सिमम एज मांगी गई है 45 ईयर और साइकेट्रिक सोशल वर्कर और क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है। 112 पोस्ट तो ये होगी। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी मांगी गई, क्या चीज़ आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट के लिए 40 पोस्ट है तो उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और PG डिग्री इन साइकोलॉजी, और क्लिनिकल जो साइकोलॉजी हो गया और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी बेस के अंतर्गत पे इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन कह रहा है, खासतौर पर यह एलिजिबिलिटी होगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। अब इसके अंतर्गत पे साइकेट्रिक जो सोशल वर्कर के लिए 36 पोस्ट है तो इसमें हो गया मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन हो गया साइकेट्रिक बेस के लिए और सोशल वर्कर के लिए, ठीक। और मतलब जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है, और साइकेट्रिक जो नर्स है 35 पोस्ट है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में 1 ईयर से डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग विथ BSc नर्सिंग और GNM, और क्या होना चाहिए, BSc नर्सिंग 1 होनी चाहिए साइकेट्रिक नर्स के लिए, या तो ये 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक बेस के नर्सिंग बेस में, या आपके पास में BSc नर्सिंग होनी चाहिए, या उसके अंतर्गत पे GNM होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए और 2 ईयर्स तक आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड इन UP स्टेट मेडिकल जो है फंक्शन के बेस के अंतर्गत फैसिलिटीज़ जो दी गई है, ठीक है, फैकल्टी बेस के अंतर्गत जैसे लिखा गया है यहाँ पे रजिस्टर्ड इन UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी। और इसके अंतर्गत में मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन कह रहा है, वैसे आगे कोई आवश्यकता है नहीं, इतना बेस से आपने जान लिया होगा। सबसे पहले हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो गया और साइकेट्रिक नर्स के लिए जो टोटल वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करनी है और कब से आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। 25 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, किसी कारणवश मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था, आप जान लेंगे। और अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत एक बार क्लिक करके मैं आपको फॉर्म भरना भी बता देता हूँ, कैसे आपको फॉर्म भरनी है, ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे इनका पोर्टल यहाँ पर चालू हो चुका है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करना, कहीं पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन बेस के लिए, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लिनिकल साइकेट्रिक के लिए इंपोर्टेंट जो डेट दे रखा है यहाँ पर, इसे जाकर आप क्या करेंगे, सीधे प्रोसीड के अंतर्गत पर आप यहाँ से सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए आपको भरना है, ठीक है।
अलग अलग यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले मानो आपको इस पे जाना है तो यहाँ पर प्रोसीड के अंतर्गत पे यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने, आपका जो प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे का जो यहाँ पर है प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हर करके आप यहाँ पर जैसे करके सबसे पहले जाएंगे आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ें और आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करें। देखिए क्लिक हर के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर देखिए नाम डाल लेना, यहाँ पर आवेदक का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल नंबर और जेंडर उसका क्या है वो चीज़ भर के आप सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे शॉर्ट के रूप से जो उत्तर प्रदेश मेडिकल हेल्थ संबंधी जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल बेस के लिए जो 112 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है, कैसे आपको फॉर्म भरनी, क्या एलिजिबिलिटी बाकी गई है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट के रूप से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इतिहास का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम पर हमेशा जुड़े रहे और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।